हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। 12,460 शिक्षक भर्ती पर कल 26 मई 2022 को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। हम आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो बताने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो धरना प्रदर्शन हुआ था 24 तारीख को, उसको लेकर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस चीज़ों को दिखाया गया कि पिछले 5 वर्षों से 12,460 शिक्षक भर्ती रुकी हुई है और छात्र चाह रहे हैं कि अंतिम जो भी छात्र हैं, अंतिम छात्र तक पदों को भर दिया जाए, क्योंकि 6,200 पद खाली हैं और लगभग 3700 छात्र हैं जो अपनी नियुक्ति चाहते हैं। इसको लेकर वो इको गार्डन में एकत्रित होते हुए थे, इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। दूसरी अभी अभी अपडेट मिली है कि बेसिक शिक्षा में हिमांशु सिंह राणा, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, 72,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। काफ़ी दिनों तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे जगह पर केस लड़े थे। इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने विभिन्न भर्तियों पर बात की, जिसमें इन्होंने 12,460 शिक्षक भर्ती पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि वार्ता से पता चला है कि अधिकारी जो हैं कल वहां पर 12,460 के पक्ष में अपना जो भी चीज़ें हैं वो यहां पर रखने वाले हैं, उसकी तैयारी उन्होंने पूर्ण कर ली है। हमने आपको एक जानकारी दी थी कि सरकार प्रपोजल लेकर नहीं आ रही और उसी क्रम में प्रपोजल की कोई भी जानकारी नहीं है। चाहे मोहित कुमार द्विवेदी हों, अर्पित श्रीवास्तव, सब ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रपोजल की कोई भी बात अधिकारी अब नहीं कह रहे हैं। कुल मिलाकर चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं AG साहब, उनको आज इंगेज कर लिया गया होगा, कन्फर्म जानकारी नहीं है अभी, और वो कल 26 तारीख को सरकार की तरफ से जो उनकी अपील है उस पर वो बहस करेंगे और सरकार की तरफ से जो बताया गया होगा उस पर वो पूरी तरह से पक्ष रखेंगे। अब चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर कल सुनवाई हो, सबसे बड़ी बात यह है कल सुनवाई हो और सरकारी अधिवक्ता कोई आगे की तारीख ना लें, अपनी बातों को रखें और उसके बाद जो भी 51 या 0 के अधिवक्ता हैं वो अपनी बातों को 10-10 मिनट रखते हुए, जैसा कि पिछली बार कोर्ट में जज साहब ने कहा था, अपने लिखित आर्गूमेंट को सबमिट करें ताकि कल ही जो है सभी चीज़ें सबमिट हो जाएँ और कल के बाद अगली कोई तारीख ना मिले, क्योंकि अगली तारीख मिलने पर आप समझ सकते हैं कि अगली तारीख अब जुलाई की ही मिलेगी और ऐसे में आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अच्छा यही होगा कि कल सब कुछ अच्छा हो, फाइनल हो जाए, क्योंकि अगली तारीख ना मिलने पाए। फिलहाल हम कल की जो भी पल पल की अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।